भाजपा के सत्ता में आने के बाद जितनी हानि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हुई है, शायद ही किसी अन्य चीज को हुई होगी। जिस प्रकार सरकारी संस्थाओं का प्रयोग पीएम मोदी और भाजपा ने अपने विरोधियों के खिलाफ किया है, वो इस बात पर साफ मोहर लगाता है कि देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है। और अब इसी क्रम में एक और खबर निकलकर सामने आई है, जहां सोनिया गांधी से पूछताछ करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी धरना दे रही थी और भाजपा ने पुलिस बल का प्रयोग करके अपनी तानाशाही का एक और सबूत दे दिया, जिसका एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है, और जिसके चलते कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और देश भर में कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने कार्यकर्ता के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें बाद में किंग्सवे कैंप ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें कि असल में राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें विजय चौक से आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद राहुल विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। इस सबके बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला और इस दौरान कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया गया। वहीं कांग्रेस नेता अजय मकान ने इस मामले को लेकर कहा कि हम राजघाट पर सत्याग्रह कराना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने हमें सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कहा कि ये केस 2016 में भी खत्म हो गया था, ईडी ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे दोबारा खोला है। वहीं अजय मकान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को भी पार्टी दफ्तर में नहीं आने दिया जा रहा है, पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के सभी सांसद विजय चौक पर रुके और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने से रोका गया, जबरन गिरफ्तार किया गया। अब हम पुलिस की बसों में हैं, हमें एक जगह ले जाया जा रहा है जिसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि करके राहुल गांधी को गिरफ्तार, हौसले तोड़ नहीं पाएगी सरकार। संसद के जिस आंगन से तानाशाही हुकूमत ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया है, भाजपा को वहां भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।